दुनिया में कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ़ोन में हमेशा पासवर्ड, पैटर्न, पिन अपने घर वालों के डर से, बच्चों के डर से चेंज करते रहते हैं, और ऐसे सिचुएशन में उनका खुद का फ़ोन जो है लॉक हो जाता है। वो खुद भूल जाते हैं कि हमने अपने फ़ोन में क्या पासवर्ड डाला है, क्या पैटर्न डाला है, क्या पिन डाला है। तो जब आपका फ़ोन लॉक हो जाता है तो आप भी बहुत बार मेरी तरह इसी तरीके से अपने फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कुछ इसी तरीके का मैसेज आता है, फ़ोन लॉक ट्राई अगेन, 29 सेकेंड, 30 सेकेंड का मैसेज आता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि यहाँ पे हमारा ना फिंगरप्रिंट काम करता है, ना फेस लॉक काम करता है, कुछ भी यहाँ पे काम नहीं करता है। तो आज का वीडियो यहाँ पे होने वाला है ओप्पो, वीवो, रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में, कि फ़ोन अगर आपका परमानेंटली लॉक हो जाता है या कुछ टाइमों के लिए लॉक हो जाता है तो आप उसको कैसे अनलॉक करेंगे, वो भी विदाउट डेटा लॉस। जी हाँ दोस्तों, विदाउट डेटा लॉस आप अपने फ़ोन को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है रवि वर्मा, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल माइंड डिस्क। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए, कोई भी आपके पास फ़ोन हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, अपने फ़ोन को यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ सेम उसी मेथड में टर्न ऑफ, पावर ऑफ आपको कर देना है। तो हमारा फ़ोन यहाँ पे पावर ऑफ हो चुका है। अभी यहाँ पे हमें एक सिंपल सा प्रोसेस रन करना है, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को कंटिन्यू यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे ही आपका फ़ोन का नाम आ जाए तो यहाँ पे पावर बटन में से उंगली को हटा दीजिएगा, नीचे कुछ लिखा हुआ आएगा तो ये आपके फ़ोन का रिकवरी मोड ओपन होने का संकेत है। तो जैसे देख सकते हैं कि हमारे ये ओप्पो का फ़ोन है और ये यहाँ पे अब रिकवरी मोड में ओपन हो चुका है। सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या करना है, इंग्लिश पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको गलती से भी फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको क्या करना है ऑनलाइन अपडेट में चल जाना है। तो जब यहाँ से इस तरीके से पासवर्ड पूछा जाएगा, बैक कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। बैक करते ही आपको यहाँ पर अब कोई ऑप्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फॉर्मेट डेटा करेंगे तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा और ये आपका लॉक हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो हम अपने फ़ोन को यहाँ पे रीबूट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपने फ़ोन को यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से जो भी नया मेथड है उसको ट्राई कर सकें। जब भी आप कोई मेथड यूज़ कर चुके हैं तो अपने फ़ोन को आप एक बार रीस्टार्ट ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होता है कि आपके फ़ोन में जितने भी बायोनिक चिप होते हैं सब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं अपनी जगह पर। जितने भी आपके इंसुलेंस, पासवर्ड, पैटर्न, पिन, मेग्रेस होते हैं वो सारे आपका एक ही जगह पे चला जाता है, जिससे उसे आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपको भी अगर कोई फ़ोन अनलॉक करवाना है मॉडल नंबर के साथ, हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, किस जगह से वीडियो को देखते हैं ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन बूटिंग हो चुका है। तो जब भी आप फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको कुछ इसी तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 सेकंड, 12 सेकंड फॉरगेट करने पे यहाँ पे वही साफ मैसेज आएगा कि आप जो है सर्विस सेंटर पर जाइए, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, और आपका डेटा भी डिलीट हो जाएगा। तो हमें अपना डेटा डिलीट नहीं करवाना है। फ़ोन जब आपका ओपन होता है तो कुछ इस तरीके का मैसेज आपको देखने को मिलेगा कि पासवर्ड रिक्वायर्ड व्हेन फ़ोन रीस्टार्ट, कुछ इस तरीके का मैसेज हर स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे इन सारे स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। हम जो है इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन में आ चुके हैं। बहुत दिनों बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं इमरजेंसी कॉल के ऊपर, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए, यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, डायल करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट कोड है, ध्यान से देखिए दोस्तों इस वीडियो को, लेटेस्ट यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपिंग का कोड है जो कि अक्टूबर महीने का फाइनली कोड है। इसके बाद कोई भी कोड रिलीज़ नहीं होने वाला है। तो फिलहाल इस कोड को आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बहुत ये काम की वीडियो होने वाली है अगर आप इस स्क्रीनशॉट को सेव करके किसी भी बंदे का स्मार्टफोन अनलॉक कर दें। एक बार हमें यहाँ पे कॉल करना है, सिर्फ एक बार हमें कॉल करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करते ही अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सारे नंबर्स को हटा देना है। तो फाइनली हम यहाँ से सारे नंबर्स को हटा चुके हैं। जिन लोगों ने नंबर नहीं लिखा है उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूँ, वो बैक करके नंबर को देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट मैथड की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें अप्लाई करना है *8999 और हैज को। अगर ये अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है, आप पहुंच जाएंगे इंजीनियर मोड वाले पेज पे। बैक करते हैं, वापस से हम इमरजेंसी कॉल वाली ऑप्शन पे आ चुके हैं। जब भी आप *8999# डायल करेंगे आप
वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप देख सकते थे *#8999 और हैज वाले ऑप्शन में। चलिए अभी यहां पे हम आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन में आ चुके हैं। अभी जब हम इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे आएंगे तो आपको यहां पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जो मैन्युअली चेंज होते रहता है। कभी यहाँ पे आपका ये लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, कभी हाइड हो जाएगा, ये अप डाउन फ्लैक्चुएट होते रहता है। *#8999 और हैज का उपयोग हम करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए *#8999 से आप जो है इंजीनियर मोड वाले पेज पे ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप *#8999 और हैज वाले ऑप्शन को रिपीट करते हैं, क्योंकि ये बहुत काम का मेथड है, इसको आप हमेशा यूज कर सकते हैं डेली। चलिए मैनुअल टेस्ट की बारी यहाँ पे आने वाली है। सबसे पहले तो हम मैनुअल टेस्ट वाले ऑप्शन पे ही चलते हैं। जब भी आप मैनुअल टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सेकंड में ही आपको देखने को मिल जाएगा डिवाइस डिबगिंग का। जी हाँ दोस्तों, सेकंड में ही आपको डिवाइस डिबगिंग का एक ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में इंजीनियर मोड का पेज खुला हुआ है। सेकंड पेज पे हम चले गए थे जहाँ पे हमें डिवाइस डिबगिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब फर्स्ट ऑप्शन को हम यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर लेंगे जहाँ पे लिखा हुआ आएगा बोर्ड मैच पास। तो ये आपके फ़ोन में भी पास होना चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे फ़ोन में पास होने से नहीं चलेगा। अगर आप कुछ भी मेथड स्किप कर जाएंगे तो काम नहीं करेगा। तो आपको ये कमेंट भी करना है कि आपका फ़ोन कहाँ पे नहीं हुआ, क्या हुआ, सब आपको बताना है, बैक करना है विद इन 5 सेकेंड। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर वो लोग ऑफिस में नहीं होंगे तो मैं नहीं गारंटी, लेकिन ऑफिस में हो तो 5 सेकंड में वो हमें से रिप्लाई करते हैं। नंबर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन पे आपको क्लिक करना है। क्या करना है? सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन पे। तो आपके फ़ोन में जितने भी सेंसर है सभी फ़ोन को सेंसर को स्टार्ट कर दीजिए। किसी एक सेंसर का पास होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, किसी एक सेंसर का पास होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा एक सेंसर पास हो चुका है। बैक करेंगे, वापस बैक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जायरोस्कोप सेंसर को ऑन कर देना है। जी हाँ दोस्तों, जायरोस्कोप सेंसर को ऑन कर देना है और इसको स्टार्ट कर देना है। और ये यहाँ पे पास फेल होने से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं कि मेरा फेल भी हो गया, तो हमें यहाँ पे एक स्कोर मिल गया 1364। यहाँ देख सकते हैं कि आपने 1364 इतना डिजिट का पैटर्न का पासवर्ड का यूज़ कर लिया है, जो कि ब्लैक में आपको दिख रहा है। बैक करेंगे, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अभी जब हम यहाँ पे बैक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे सबसे लास्ट में होता है, अदर्स का। अदर्स का ऑप्शन आपको हमेशा लास्ट में ही देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन क्यों ना हो। चलिए अदर वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है कि की स्टेटस के नीचे आपको डेटाबेस वर्जन दिख रहा, हो सकता है कि आपके फ़ोन में मेन बोर्ड वर्जन ही दिखे। अगर जिनके फ़ोन में मेन बोर्ड वर्जन है उनको यहाँ पे रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर वाले पे क्लिक करना है, जिनका डेटाबेस CPH है उनको क्लिक नहीं करना है। तो अब हम यहाँ पे की स्टेटस पे क्लिक करेंगे जहाँ पे सारे ऑप्शन पास दिख रहे हैं। ये दो ऑप्शन आपका अमेजोन प्राइम के लिए यहाँ पे सपोर्टेड है, जो कि इस फ़ोन में अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर वो एक्टिवेट रहेगा तो ये यहाँ नॉट सपोर्टेड की जगह पे पास नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल कनेक्टेड नहीं, इसलिए ये जो है आपका ये डिवाइस जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। चलिए सेंसर, तो बैक करेंगे। बैक करते ही यहाँ पे जो फाइनली लास्ट मेथड होने वाला है रीड राइट पे फर्स्ट टाइम पे आपको कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे हमने भी इसको कैंसिल किया और सेकंड टाइम में फिर से रीड राइट वाले ऑप्शन पे जाना है और इस बार हमें ओके कर देना है। तो ओके करते ही यहाँ पे नीचे आपको रॉन्ग पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बट आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है कि हमारे फ़ोन में जो है ये रॉन्ग वाला ऑप्शन आ गया है, बिल्कुल आपको इस चीज़ को भूल जाइएगा। चलिए फाइनली अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे बैक करेंगे और फिर से बैक करेंगे। और जब हम वापस इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन में सेम इसी तरीके से चलाएंगे तो यहाँ पे कोने पे देख सकते हैं एक बैक का ऑप्शन है। ध्यान से देखिए, एक बैक का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, बैक कर लेंगे इस तरीके से। तो बैक करते ही आप वापस से मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं जहाँ पे आपका फ़ोन लॉक था। तो हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है विदाउट डेटा लॉस के साथ। तो वीडियो थोड़ा लंबा है, लेंदी है, लेकिन कीजिएगा 100% आपको सफलता मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ऐसे हमने 4.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं किए हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे मोबाइल को अनलॉक करते हुए आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।